आज एक बार फिर से आप लोग का आरएलवाई ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आपको सीधे आज हम अपने टॉपिक पर लेके चलते हैं। संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ है कैपेसिटर। आपको इससे पहले हमने संधारित्र बताया था। संधारित्र क्या होती है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या साधन है जो किसी चालक पर पर्याप्त मात्रा में धारिता को बढ़ाया जा सकता है या उसको पर्याप्त मात्रा में आवेश दिया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। तो चलिए आज को हम इसके बारे में लेंगे। प्रकार इसके निम्न प्रकार होते हैं, निम्न मतलब इसके पांच प्रकार आप कह सकते हो। पहला आपको दोस्तों जैसे हमने राइट किया, नंबर एक समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर दो आपको होगा गोली संधारित्र, नंबर तीन होगा बेलनाकार संधारित्र, नंबर चार आपको होगा दोस्तों विद्युत अपघट्य संधारित्र, पांचवा जो आपको होता है परिवर्ती संधारित्र। दोस्तों इन दोनों में से केवल हमको दो का ही अध्ययन करना होगा, पहले और दूसरे के बारे में ही हमको, हमारा जो सिलेबस है केवल इसी दो के बारे में हमको अध्ययन करने के लिए बोला हमारे पाठ्यक्रम में। मतलब केवल आपको समांतर प्लेट संधारित्र है और आपको गोलीय संधारित्र केवल दो ही पढ़ना है, बाकी ये तीन जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं दे, तीनों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। यदि आप लोग बोलते हैं इसको अध्ययन करने के लिए, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको अध्ययन करा दीजिएगा। फिर भी जो हमारे पाठ्यक्रम में है केवल आपको ये दो ही पढ़ना है, पहला आपको समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा आपको गोली संधारित्र। तो अब चलिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको पहले संधारित्र की तरफ लेके हम चलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की तरफ। चलिए इरेज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला हेडिंग इसमें होगा समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको क्या होता है, तो इसके आपकी एक छोटी सी डिफिनेशन है, फिर इसके बारे में आप जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, उसके बाद हम आपको वहां पे लेके चलते हैं। पहले हम एक छोटी सी हेडिंग जो हमारा है उसको जान लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। जैसे हमने राइट किया है, समान आकार तथा समान क्षेत्रफल। दोस्तों आपको जो उसका आकार होगा या उसकी समान ज्यामिति कह सकते हो, समान आकार तथा समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें, दो धातु की प्लेटें होनी चाहिए परस्पर अल्प दूरी, परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो या रखने पर है, या स्थित कुछ भी हो सकते हो, तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पे हम एक बार बताते, देखिए यहाँ पर कहा समान आकार, अगर बनाना होगा फिगर तो बना सकते हो। एक प्लेट ए ले लेते हैं, यहाँ पर इस प्लेट का नाम ए, दूसरा प्लेट हम ले लेते हैं इसका नाम आपको बी। जितना बड़ी प्लेट होगा दोनों का आकार बराबर है, और क्षेत्रफल प्लेट का नाम हम ले लेते हैं धनावेश। तो संधारित्र में दोनों दो प्लेट होना चाहिए कम से कम, और इसमें दोनों प्लेट विपरीत चिन्ह की होनी चाहिए, यहाँ पे इसको ऋणावेश। तो जितना धन यहाँ होगा उतना ऋण आपको यहाँ बनाना, ठीक है, एक दो ज्यादा कोई बात नहीं। और इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल ही होगा, और इसका भी क्षेत्रफल आपको क्या लेना होगा, कैपिटल ए लेना होगा। तो जो यही आपको दोनों समांतर रखी गई है, जो हमारी यही व्यवस्था की गई है, वही व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र। दोस्तों आपको यही अगर इसको यहाँ से पृथ्वी से जोड़ना होगा तो आप इसको यहाँ से अर्थ से आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है, अर्थ से जोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई इसको आवेश देना चाहते हैं तो प्लस क्यू आप आवेश दिला सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है हमको उसी की तरफ ले चलते हैं। आप इतना इरेज करते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इतना आप राइट कर लीजिएगा आसानी से, मतलब आपको बताने के बाद यहाँ से देखिए, समान आकार दोनों की लंबाई आपस में सेम होनी चाहिए, ए भी आपको समांतर, ए भी समांतर क्षेत्रफल का, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी कहा था, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल डी, ठीक है, अब तो क्लियर होगा स्मॉल डी। और वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं धन से ऋण की ओर होता है दिशा, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है वेक्टर धन से प्लेट की ओर, अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित करती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको मेन हेडिंग की तरफ लेके चलते हैं, ओके। दोस्तों देखिए आपका ये हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है। दोस्तों इसकी इंग्लिश आपको इंग्लिश देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोस्तों आपके लिए हेडिंग इम्पोर्टेंट होगा, यूपी बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। दोस्तों तो इसमें आपको देखिए व्यंजक प्राप्त करना है, इसमें दोस्तों तीन हेडिंगें होती है, तो आपको तीनों हेडिंगें दोस्तों हम अलग से ना प्रूव करवा के यहीं पे एक ही साथ में दोस्तों हम ले लेते हैं। तीन हेडिंगें होती है, तो आपको यहाँ पर देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यहाँ पे राइट करेंगे, इसकी तीन स्थितियां हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा राइट करेंगे, इसमें तीन स्थितियां हैं, इसमें कुछ भी राइट करिएगा, इसमें तीन है, या इसकी लिखिए तीन स्थितियां हैं,
वो भी आपको नंबर एक याद दिला देते हैं, एक बार याद नहीं आपको राइट करते चलना, बस आप में राइट करिएगा। नंबर एक होता है जब दोनों प्लेटों के बीच है वायु भरा हो या वायु हो, जब है दोनों प्लेटों के बीच है वायु हो, ठीक है, तब है संधारित्र की धारिता। नंबर दो आपका होगा जब है दोनों प्लेटों के बीच है पूर्ण रूप से परावैद्युत है, पूर्ण है रूप है से परावैद्युत है, परावैद्युत पदार्थ है, पदार्थ रखा हो या फिर भरा हो, ठीक है, तब संधारित्र की धारिता। तीसरा आपको दोस्तों होगा जब है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब है दोनों प्लेटों के बीच आंशिक है, आंशिक का मतलब दोस्तों होता है बहुत थोड़ा से, आंशिक रूप है से परावैद्युत है भरा हो या रखा हो, कुछ भी आप राइट करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ तक आप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम आपको पहला लेके चलेंगे दोस्तों, नंबर एक तीनों ध्यान दीजिएगा, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, दूसरा होगा जब दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तीसरा होगा जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत, आंशिक का मतलब बहुत थोड़ा से, आपको यहाँ से होगा परावैद्युत रखा होता है, आपके लिए तीनों की कंडीशन बनेंगी अलग अलग। तो आपको यहाँ पे पहली कंडीशन जो बनेगा दोस्तों, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु हो तब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चलिए आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको नंबर एक में नंबर एक वही हेडिंग ए वाला ले लेते हैं। यहाँ से देखिए ए आपको है, चाहे आप डायरेक्टली उसी तरीके से चाहिएगा चाहे नंबरिंग कर लीजिए। जब दोनों प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु भरा हो या रखा हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक। आपको दोस्तों यूपी बोर्ड में जब आएगा तो क्वेश्चन इसी तरीके से बना के बताएगा, यदि आपको दो समांतर प्लेटें हैं तथा उनके बीच वायु पूरा स्थान भरा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले मान लेते हैं, माना दो समांतर प्लेटें हैं जो कि एक संधारित्र बनाया, समांतर प्लेट संधारित्र, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यही पे आप लोग यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे यही दो समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं आप, कितना तो क्लियर होगा आपको, इससे पहले हमने बनाया था ये फिगर, तो वही दोबारा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे धन प्लेट ले लेते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और यहाँ वाली जो प्लेट ले लेते हैं आपको रेड प्लेट ले लेते हैं, भी इतना क्लियर आपको हो गया होगा। इस प्लेट का नाम ए दे देते हैं और इस प्लेट का नाम बी दे देते हैं, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना ले लेते हैं, स्मॉल डी, इतना भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब यहाँ से कोई हम आवेश दे देते हैं, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे जा रहा है, और ये वाली जो प्लेट होगा इसका किससे मान लेते हैं जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, किससे मान लेते हैं जो आपको दूसरा प्लेट है किससे जुड़ा है, पृथ्वी से, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हम क्या मान लेते हैं, जो इसका आपको क्षेत्रफल होगा या फिर जो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसको हम सिग्मा मान लेते हैं, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा है, और इसका क्षेत्रफल भी आपको वही दिया गया है। यहाँ पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा कैपिटल ई की दिशा इधर ही होगा, ठीक है, धन प्लेट से रेड प्लेट की ओर, आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र दिशा धन प्लेट से रेड प्लेट की ओर होती है, वेक्टर ई, और ये दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में क्या भरा गया, वायु, दोनों प्लेटों के पूरे बीच में यहाँ पे हर जगह क्या है, वायु है। ये फिगर आप क्लियर करेंगे, जैसे कि हमने हिंदी राइट किया है तो आप स्क्रीन शॉट का एक बार हिंदी लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको यहाँ पे और राइट कर लीजिएगा, इसको आपको क्या दिया गया है, प्लस क्यू आवेश है, और इसको कौन सा आवेश दिया गया, माइनस क्यू, इतना भी राइट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या राइट करते हैं, आता है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दोस्तों इससे पहले आपको एक हमने डिफिनीशन बताया था जो कि आपको दूसरे पाठ में बताया गया होगा, जब दो समांतर प्लेटें होती हैं और उनकी जो प्लेटों विपरीत होती है तो उनके जो बीच का वैद्युत क्षेत्र होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। अब लिखते हैं दोस्तों यहाँ से, अतः दोनों प्लेटों के बीच है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखिए राइट करते हैं, अतः है, आप लोग यही राइट करेंगे, अतः
दोनों प्लेटों के बीच है, वैद्युत क्षेत्र है। आपको तो पहले पार्ट में दूसरे में बताया गया था, जब दोनों विपरीत होती हैं तब उनके डेरिवेशन बताया गया था। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व। पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठावेश घनत्व बोला जाता है। अब चलिए यहाँ से आ जाते हैं, और इज इक्वल टू, और आप सिग्मा का मान कितना जानते होंगे, क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जहां आप करके ब्रैकेट में राइट करिएगा, जहां सिग्मा बराबर क्या आपको लिया, पृष्ठावेश घनत्व होता है, और इसका मान आपको क्या राइट किया जाएगा, सिग्मा बराबर आपको राइट किया गया क्यू अपॉन ए। सिग्मा आपको बताएगा पृष्ठावेश घनत्व है, इसकी परिभाषा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को एकांक कह रहा है, तो नीचे ए लिखा गया उपस्थित आवेश को पृष्ठावेश घनत्व। इतना क्लियर होगा। अब आपको तो एक फार्मूला आपको बताया गया, कुछ भी कह सकते हो, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या विभवांतर में कह सकते हो। आपको जब दो समांतर प्लेटें थी तो आपको वहां से एक फार्मूला बताया गया था दोस्तों, इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ये फार्मूला आपको उम्मीद करते हैं याद ही होगा। तो यहाँ से ई के स्थान पे दोनों का आपको प्लेट लिया गया, यहाँ पे फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ पे इसके सीट पे ई की सीट पे पुट करते हैं वी अपॉन डी, जहाँ वी आपको विभवांतर हो जाएगा। यहाँ पर वी अपॉन डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप बगल में क्या राइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यही, यहाँ पे हमने ई बराबर आपको लिया है वी अपॉन डी, जहाँ वी आपको विभवांतर होगा और डी आपको दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से एक चीज और राइट करते हैं, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहाँ पे राइट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, ध्यान दीजिएगा संधारित्र की धारिता। आपको बताया गया फार्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इसको इधर कर देते हैं थोड़ा से, या फिर वी को इधर कर लीजिए, आपको प्रोसेस आपको वही बन जाएगा, या फिर यहाँ से किसी एक की वैल्यू इसमें पुट करवा दीजिए, जिसके आपको अच्छा लगता हो वैल्यू पुट करने में, उसी की वैल्यू आप यहाँ पे कहीं रख देते हैं, या फिर इसको यहाँ पे रखवा दीजिए, या तो इसको इधर नीचे कर दे, जो आपको अच्छा लगता होगा उसी की वैल्यू यहाँ पे कहीं हम पुट कर देते हैं ना। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी दोनों आपको दोनों की बात एक ही होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसपोज हम कर देते हैं। देखिए यहाँ इसको ट्रांसपोजिंग कर दीजिएगा, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, है ना। अब यही राइट कर देंगे, Q का मान इस समीकरण एक में रख देते हैं, यहाँ को इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। Q का मान समीकरण एक में रखने पर, Q का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए Q बराबर सी इंटू वी यहाँ पे रख देते हैं, देखिए थोड़ा सा एक बार और आ जाए, देखिए यहाँ पे रख देते हैं, हो जाएगा v अपॉन d, q के स्थान पे देखिए c इंटू वी हो जाएगा, c इंटू वी अपॉन हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से v आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल, सीधी सी बात है, यहाँ से जाएगा वन अपॉन d c अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्लियर होगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही आपको क्या जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब दोनों प्लेटों के बीच क्या रखा होगा, वायु रख भरा होगा, मतलब वायु होगा। और यहाँ से आपको एक फार्मूला निकल के आया है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो थोड़ा से, और यहाँ पर जहाँ या कुछ भी करके राइट कर दीजिएगा, यहाँ पर रख सकते हो आप कुछ भी, या तो यहाँ से कर सकते हो, जो धारिता होता है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी, तथा और ये जो धारिता होगा उसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, आप राइट कर सकते हो, आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से बोलते हैं, आप नीचे यहाँ पे राइट करिएगा, आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ए का मतलब क्षेत्रफल ऊपर है ना, इसके अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती, डी नीचे है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला तो हमने प्रोसेस आपको लेके आया, दूसरा भी आपको यहाँ पे पॉइंट बी वाला निकाल देते हैं आसानी से। जो दूसरा आपको हमने बताया था, जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत
पदार्थ भराव पूर्ण रूप से, तो बी वाला आपको यहाँ पे भी निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों अगला हो जाएगा जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है के रखा हो या स्थित हो, है ना, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट राइट करते धारिता होगा तो C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। ये दोस्तों आप फार्मूला याद रखिएगा, दोनों फार्मूले का यूज होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए क्या आपको अगर कोई प्रभाव पड़ता है, अगर कोई पूछता है तब आप इसके लिए आंसर क्या बताओगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से अगर समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा तब उसके जो वायु में रखा होगा और जब यहाँ पे रखा होगा परावैद्युत पदार्थ तब दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा से बताओगे जब परावैद्युत पदार्थ में रखा होगा कोई आपको संधारित्र मतलब यहाँ संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा तब उन दोनों जो प्लेटें होंगी मतलब या उसकी जो धारिता होगा उसका मान क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे के का मान 3, 4, 5 कुछ 80 कुछ भी होगा, जल होगा, कागज होगा, कुछ तो होगा ना, लकड़ी माध्यम होगा ही, तो के का इसमें गुणा हो रहा है ना तो उसकी धारिता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। मतलब जब आपको संधारित्र जो दिया गया समांतर प्लेट उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो उस समय उसकी धारिता वायु की अपेक्षा क्या होती है बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों वायु का मतलब यहाँ पे कोई पदार्थ एक लकड़ी का गुटका पूरा भर दिया जाए वही आपको परावैद्युत पदार्थ हो गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको नंबर हम तीसरी हेडिंग की तरफ लेके चलते हैं। जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दोस्तों आपके ये जो टॉपिक होगा पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज्यादातर बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें कह रहा है अभी वही भी इसका ऐसा प्लेट होगा समांतर, तो बिल्कुल हम समांतर जैसे पहले फिगर बना था इसमें भी वही सेम फिगर हम बना लेते हैं। देखिए समांतर बोला तो हम समांतर प्लेट यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक प्लेट यहाँ वाला हो जाता है, दूसरा प्लेट यहाँ पर, ठीक है, यही आपको दो प्लेटें हो जाती है। ये प्लेट आपको धनावेश ले लेते हैं, ये प्लेट धनावेश हो जाती है और इस प्लेट का नाम क्या हो जाएगा ऋणावेश प्लेट हो जाएगी, ठीक है, एकदम कंफर्म। अब इसके बाद इस प्लेट का जो आवेश होगा इसको प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, ये जो दूसरा प्लेट है इसको मान लेते हैं कहाँ से जुड़ा होगा अर्थ। दोस्तों ये पृथ्वी की साइन होती है, ठीक है, इतना क्लियर आपको पता होगा, इसका नाम आप राइट कर सकते हैं पृथ्वी, ठीक है, अर्थ जुड़ा है। अब यहाँ से एक चीज और यहाँ से देखिए लेते हैं, एक मिनट देखिए, यहाँ पर इस जो प्लेट पहली प्लेट का नाम होगा इसका ए ले लेते हैं, दूसरी प्लेट का नाम बी और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। इतना आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो इसका आपको यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है, इसका जो आपको क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा है, इसका भी जो आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या ले लेंगे हम सिग्मा, नहीं राइट करेंगे तब भी ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे बताइए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा धन प्लेट से किधर होगा ऋण प्लेट की ओर होगा। यहाँ से देखे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर इधर ही होगा, ठीक है, और इसी के बीच में एक आंशिक रूप से मतलब थोड़ा से एक कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक थोड़ा से हम कोई यहाँ के बीच में क्या रख देते हैं परावैद्युत पदार्थ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोई यही हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं परावैद्युत है, परावैद्युत है, परावैद्युत मतलब चाहे आप कह सकते हो कुछ भी हो सकता है, लकड़ी होगा, कागज होगा, मतलब सूखी लकड़ी होगा ना, या तो आप कुछ भी कर सकते हो, जल मतलब कोई आपको यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, ठीक है, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा गया है तो ठीक है, लेकिन जिसकी मोटाई कितना है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितना है स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है और इसके जो बाहर बाहर होगा इधर वाला सब क्षेत्र वायु इधर भी है और इधर भी यहाँ पर क्या मिलेगा वायु, यहाँ जो वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इसको E1 से डिनोट करते हैं, इधर भी वायु इधर भी E1, लेकिन जो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत की वैद्युत तीव्रता उसको डिनोट करते हैं
VE2 से, तो आपको क्लियर फिगर बना जाएंगे आसानी से। मतलब आप इसको एक साइड भी रख सकते थे तब भी सही होता है, बीच में दे कोई बात नहीं, अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा बनाया गया ऐसा। इस चीज फिगर को आप इधर सटा के रख सकते थे तब आपको ये क्लियर हो जाता। अब देखिए, अगर देखिए ये जो फिगर हमने बनाया है यही दोनों फिगर था, ये परावैद्युत इसे कोई सटा के रख देते ठीक है। ये पूरी दूरी डी था और इतना आप कितना मिला टी मिला है, तो इतना आपको कितना आएगा डी माइनस टी। कन्फर्म, एकदम कंफर्म होंगे कि नहीं आप? मतलब इधर पूरा वायु था, जो वायु के बीच की दूरी होगी वो डी माइनस टी होगा, पूरा दूरी प्लेट का डी है, मोटाई टी। इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने राइट किया था प्लेटों के बीच डी माइनस टी दूरी पर वायु है। अगर वायु के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो डी माइनस आप यहाँ यहाँ को पूरा मिला, इधर वाला भी जैसे यहाँ पे एक के बाद में हो गया ना, पूरा मिला के डी माइनस टी होगा। और पूछा जाए परावैद्युत की दूरी, दूरी मतलब क्या बन जाए उसकी मोटाई ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस इतना हो गया, तो आप जो हमने बोला वही हमने यहाँ पे राइट किया है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए थोड़ा, ताकि आपको हम इसको प्रोसेस लेके चले, इसको इरेज करते हैं है ना। आप अच्छे से राइट कीजिए, एकदम बिल्कुल सही है जो हमने बोला वही राइट किया है ठीक है। स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा वही राइट करते हैं, लिखते हैं अतः दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर राइट करेंगे अतः है दोनों प्लेटों के बीच का कुल है विभवांतर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभवांतर बराबर आपको हो जाएगा जितने दूर वायु है वायु भरे स्थान का विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर। वायु भरे स्थान का विभवांतर प्लस परावैद्युत है परावैद्युत का विभवांतर। इसको आप राइट करिएगा ठीक तरीके से। इसको देखिए, जो दोनों कुल विभवांतर निकालना होगा उसको V से डिनोट कर देते हैं, और जो आपको वायु का होगा उसको V1 से प्लस जो परावैद्युत का विभवांतर होगा उसको V2 से। इतना क्लियर होगा। तो V इज इक्वल टू, अभी भी आपको एक हमने रिलेशन बताया था दोस्तों, कौन सा रिलेशन आपको यहाँ पे बताया गया था, तो आपको पता होगा यहाँ से E इज इक्वल टू V/D है ना। तो यहाँ से V इज इक्वल टू E इंटू कितना निकल जाएगा D से है ना। इतना क्लियर आपको पता हो गया होगा, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। V1 का मतलब आपको होगा वायु का विभवांतर ठीक है क्लियर, और V2 का मतलब होगा परावैद्युत का विभवांतर, लेकिन यहाँ D का मतलब होगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, E का मतलब कुल दोनों प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना तो क्लियर होगा ठीक है। यहाँ से फिर आपको ये लेके चलते, देखिए यहाँ पे जो दोनों प्लेट के बीच का डी लिया गया था, और जब आपको वायु लिया जाएगा, वायु में आपको यहाँ पे जब वायु ले लेंगे हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वायु के लिए लिया जाएगा। वायु के लिए अभी भी हमने बताया था निकाल के, यहाँ पे वायु के जो बीच की दूरी कितना बचता था D-T, उतना ध्यान देना होगा। और जब परावैद्युत लिया जाएगा तो परावैद्युत के बीच की दूरी कितना लिया गया था यहाँ पे केवल स्मॉल टी लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बार जब वायु रखेंगे तो डी के स्थान पे दोस्तों रखेंगे D-T, और जब परावैद्युत लिया जाएगा तब डी के स्थान पे हम क्या रखेंगे केवल ओनली टी। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए V1 का मतलब आपको वायु लिया गया है, इतना क्लियर होगा ना, वायु लिया गया है, इसलिए फार्मूला यहाँ पर ई जो वायु का कितना है E1 है, तो यहाँ पर आप E1, लेकिन यहाँ पर आप जो वायु का आपको यहाँ पे डिनोट कर, वायु की जो दूरी थी कितना बचा था D-T, अभी पीछे मिटा दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा D-T ठीक है, प्लस V2 मतलब परावैद्युत, परावैद्युत ई फार्मूले से परावैद्युत का वैद्युत क्षेत्र E2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा E × T ठीक है। ये भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से D मतलब इसके बीच की दूरी मतलब मोटाई टी हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या राइट कर देंगे आप टी। अब चलिए देखिए एक चीज और आपको लेके चलते हैं यहाँ से, आप लोग अभी भी पढ़े थे इससे पहले जो फार्मूला भी हमने बताया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार और आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे
ई समांतर प्लेट या फिर आपको जब दो प्लेटें दी गई तो उनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको दोस्तों तो हमने अभी भी रीड करवाया था यही फार्मूला आपको यहाँ से निकल के आया था। तो आपको जब वायु होगा तब उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा और जब परावैद्युत होगा तब उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। बताया ना प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर E1 हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर आपको जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आपको पहले चैप्टर में सही तरीके से बताया गया E1 का मतलब वायु के लिए लिया गया है, वायु E आपको लिया गया किस कंडीशन में, परावैद्युत, यही ना थे परावैद्युत में नीचे के से गुणा कर दिया गया, ठीक है इतना आप राइट करिएगा वायु होने पर परावैद्युत होने पर। अब E1 का मान ही पुट कर देंगे और E2 का मान ही पुट कर देते हैं, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखिए इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D-T, है ना क्लियर हो गया। E2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट T, ये भी क्लियर हो गया। इसमें से आपको कॉमन मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन था तो हमने उसको क्या कर लिया कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा D-T, फिर यहाँ सिग्मा तो आपको निकल जाएगा, यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल गया तो बचेगा T/K, यहाँ पर +T/K, यही आपको दूसरे फार्मूला बन सकता है। यहाँ आप इस फार्मूले को इतना छोड़ देंगे तब भी सही, यहाँ पर चलिए देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, या फिर आप यहाँ से T कॉमन ले लीजिएगा। चलिए हम अभी तक यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमको क्या निकालना है धारिता, विभव या विभवांतर नहीं धारिता निकालना है, राइट करेंगे अतः दोनों प्लेटों के बीच का धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अतः है समांतर है, अभी भी जो फार्मूला लगाएगा धारिता का फार्मूला C=Q/V, वही राइट कर देते हैं C=Q/V, ठीक है क्लियर हो गया होगा इतना। अब यहाँ से आपको यहाँ से V को इधर कर देते हैं या तो समीकरण एक से V का मान यहाँ पे रख देते हैं, चलिए वही राइट कर देते हैं V को मान रखने पर, यहाँ पर आप राइट करिएगा समीकरण एक से V का मान रखने पर, अब देखिए V का मान नीचे हम पुट कर देते हैं, ठीक है जब नीचे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तब आपको कहां तक हम लेके चलते हैं, देखिए बन जाएगा C=, ऊपर आपको Q है नीचे आपको क्या बनता नजर आता है, देखिए V के स्थान पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D-T D-T+T/K, ठीक है इतना तो क्लियर हो गया होगा। एप्सिलॉन नॉट आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर भेज देते हैं, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम कहाँ भेज देते हैं ऊपर भेज देते हैं, तो आपको ऊपर भेज देते हैं एप्सिलॉन नॉट को, यहाँ पर देखिए C=Q/εनॉट, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे फिर आपको जाएगा D-T+T/K, इतना क्लियर हो गया। लेकिन आपको सिग्मा नहीं लाना है, सिग्मा आपको पता होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, सिग्मा का स्थान रख देंगे Q/εनॉट, उसका मान आप Q/A कितना होता है A, यहाँ पर सिग्मा का स्थान हो जाएगा Q/A, यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा C=Q/εनॉट, इसका मान रख देते हैं Q/A, ठीक है बगल में D-T+T/K, ठीक है यहाँ पर आपका T/K होगा, बगल में आप क्या राइट कर देंगे यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आई है σ=Q/A पृष्ठीय आवेश घनत्व, आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं तो वहां पे थोड़ा आसानी होगा ज्यादा बेटर होगा तो आप यही पुट कर लीजिएगा, ठीक है नहीं तो वहां भी सही है। अब क्यू से क्यू आपका यहाँ पे कट जाएगा, ए आपका ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा C=A/εnॉट/D-T+T/K, ठीक है यही आपको फार्मूला इतना बन के आ जाएगा, ठीक है यही फार्मूला आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, अगर यहीं पे छोड़ देते हैं आपको तब भी फार्मूला सही दिखेगा, और या फिर आप इसको क्या राइट कर सकते हो या यहाँ से आप T को कॉमन ले लीजिएगा
तभी आपको बन जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, कॉमन हो जाए डी माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर टी कॉमन हो जाएगा ना, तो बचेगा आपका यहाँ से वन माइनस वन अपॉन के, माइनस था यहाँ पे ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे माइनस हो जाएगा के, बगल में आप क्या राइट कर देंगे टी, आपको यहाँ से ये भी आपको सही मिल जाएगा ठीक है दोस्तों। ये दोनों में से आप कोई भी फार्मूले को राइट करिएगा। तो अब एक बार देखिए आपको फिर से बता देते हैं आसानी से क्या किया गया था, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर लिया गया, कुल विभवांतर वायु के स्थान के एक बार हमने लिया, एक बार परावैद्युत के विभवांतर, तो वी वन वी टू से डिनोट किया गया। तो यहाँ से आपको इज इक्वल टू जानते हैं दोस्तों आप लोग, समांतर प्लेट के जब दो समांतर प्लेटें होती हैं उनके बीच के जो प्लेटों का विभवांतर होता है वी होता है, उसके बीच संबंध इज इक्वल टू वी अपॉन डी, यहाँ से इसको ट्रांसपोजिंग वी की वैल्यू आ गया। लेकिन एक बार यहाँ पर देखिए वी वन वी टू के अलग अलग मान रखा गया था, वी वन का मतलब आपको लिया गया वायु का विभवांतर, वी टू का मतलब लिया गया परावैद्युत का विभवांतर। वी वन का स्थान पर लिखेंगे यहाँ पे वी वन इंटू डी, डी नहीं वायु का आपको बताया गया दूरी बताया गया था, डी माइनस टी होती है ना, ई वन डी माइनस टी, और यहाँ पर ई टू डी टी इसके लिए लिखा गया है। इसी तरीके से आपको यहाँ से प्रोसेस ई वन का रखा गया, बाकी सब उसी तरीके से आप आसानी से आ सकते हो, चाहे इसमें से फॉर्मूला याद रखिएगा चाहे यहाँ पर, इसके एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। फिर आपको हम एक बेहतरीन नोट पॉइंट बताते हैं दोस्तों, तो चलिए आपको उम्मीद करते हैं कि आपका स्क्रीन शॉट कम्प्लीट हो चुका हो। यदि जो प्लेटें थी उन दोनों प्लेटों के बीच है आपको अनेक परावैद्युतांक, अनेक के वन के टू के थ्री डॉट के एन, तथा जो परावैद्युतांक की पट्टी रखी गई है, जो उनकी परावैद्युतांक पट्टियों की जो मोटाई क्रमशः टी वन टी टू टी थ्री है, तब उसकी वैद्युत धारिता क्या होगा। अभी भी आप लोगों ने वैद्युत धारिता सी इज इक्वल टू पढ़ा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन डी टी प्लस टी अपॉन के, है ना, आप लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे चलिए फार्मूले से ही लेके चलते हैं, तब वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू, तब धारिता C बराबर, जैसे A एप्सिलॉन नॉट तो आपका सब समान रहेगा, D भी समान रहेगा माइनस टी टी वन टी टू टी थ्री, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट बहुत दूर तक ठीक है, यहाँ नीचे आपको जाएगा प्लस यहाँ का जो मान होगा टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू, अलग अलग परावैद्युतांक होगा इसलिए मिटा दे, देखिए यहाँ पे प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री प्लस डॉट डॉट आगे तक ठीक है। अब यहाँ से आप यहीं तक छोड़ देंगे तब भी सही रहेगा, या फिर आप एक चीज जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जानते होंगे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट बराबर आपको हो जाएगा डी, डी डी मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डी का मतलब क्या हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे इसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हम इसके स्थान पे पूरा क्या रख सकते हैं डी रख देते हैं, देखिए तब बन जाएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस इसके स्थान पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डी प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री प्लस डॉट डॉट आगे तक ठीक है। चलिए यहाँ तक अभी दोनों कट जाएगा आपका, है ना, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री प्लस डॉट डॉट आगे तक आप बढ़ते जाइएगा। यहाँ से जब आपको कोई समांतर प्लेट रहेंगे उसके बीच अनेक पट्टी रखेंगे और उसकी मोटाई से तो इस फार्मूले को लगाइए, जैसे यही है यही आपको यहाँ पर आ जाते हैं देखिए, है ना, यही दोनों था प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए थोड़ा जल्दी में, है ना, यहाँ माइनस 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 और इसके बीच अनेक पतली पतली पट्टियां रखी गई है जिसकी मोटाइयां क्रमशः आपको पता होगा, ऐसे क्रम से इसकी मोटाइयां मान लेते हैं टी वन इसकी टी टू इसकी टी थ्री इसकी टी फोर डॉट डॉट, यहाँ के जो बीच की पूरी दूरी था आपको कितना था डी, डी आपको किसके बराबर होगा, यही अगर हम चारों को जोड़ देते हैं तो डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, वही चीज आपको सब जब जोड़ जाएगा डी के बराबर, यही आपको यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। आज के लिए आपको इतना ही रहेगा, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, यदि आपको एहसास होता है कि हम इस वीडियो में आपको पूरी अपनी मेहनत लगा दिए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।